नमस्कार। आज आप सबसे चर्चा करनी है सूर्य चौथा आठवां के बारहवां कौन सा सूर्य ज़्यादा खराब है। गोचर ट्रांजिट के अंदर आप सबको मालूम होगा कि सूर्य एक राशि के अंदर एक महीना चलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज 30 दिन सूर्य एक राशि के अंदर चलते हैं और उसके बाद वो राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो सूर्य ग्रह का जो ट्रांजिट है ये जन्म कुंडली के अंदर, वैसे तो जो हम गोचर ट्रांजिट देखते हैं ये चंद्र से देखते हैं कि चंद्र जो कि मन का कारक है, मन का स्वामी है, जिसके कारण जो हमारी भावना फीलिंग्स जो है, सुख दुख का अनुभव जो हमें करवाने वाला कोई ग्रह जो है वो चंद्र है, मन के कारक है, माइंड के ऊपर जिसका आधिपत्य है। इसलिए गोचर ट्रांजिट जो है वो सूर्य चंद्र से देखा जाता है, क्योंकि चंद्र से ही हमको हमारी फीलिंग्स का पता चलता है। एक दिन के अंदर हम कई बार सुख और दुख का अनुभव करते हैं, एक दिन क्या हम एक घंटे के अंदर भी कई हमारा मूड कितनी बार चेंज होता है आप अपने आप के ऊपर ये देखिए, निरीक्षण करके कि थोड़ी देर में आपका मन शांत होगा, थोड़ी देर के बाद आपका मन अशांत हो जाएगा, कहीं और भटकने लगेगा, कहीं फिर स्टेडी हो जाएगा। कितनी मूवमेंट होती है माइंड की, ये जो इंडिकेशन है ये चंद्र देते हैं। तो चंद्र जिसका ज़्यादा पावरफुल है, इसका इतना माइंड का वाइब्रेशन इतना ज़्यादा होगा और वो इतना ये अनुभव ज़्यादा कर पाएगा कि जो भी मूवमेंट हो रहा है ग्रहों का, उसका जो इफ़ेक्ट है ये इनको ज़्यादा महसूस होगा। तो गोचर ट्रांजिट में हम देखते हैं कि जब जब भी चंद्र से चौथे आठवें बारहवें स्थान के अंदर कोई भी उग्रह ग्रह जाते हों तो ये दुख का अनुभव करवाते हैं और यह तो पीड़ादायक कोई सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण माइंड अशांत हो जाता है, मन में दुख का अनुभव होता है। तो आज का जो ये प्रेडिक्शन है पर्टिकुलरली सूर्य ग्रह के बारे में है। तो सूर्य का ट्रांजिट सबसे ज़्यादा कौन सा खराब है, चौथा आठवां और बारहवां, ये तीन में से कौन सा सूर्य ज़्यादा खराब है। तो वैसे तो तीनों तीन खराब है, मतलब कोई भी ट्रांजिट चौथे आठवीं बारहवीं सूर्य की कोई भी ट्रांजिट शुभ नहीं मानी गई है, लेकिन फिर भी हमको आज क्लैरिफाई करना है ये आज के इस प्रेडिक्शन के अंदर कि सबसे ज़्यादा दुख का अनुभव कौन सा सूर्य करवाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चौथे स्थान के सूर्य के ट्रांजिट के बारे में। तो चौथे स्थान, जो चौथा स्थान है ये सुख स्थान है, यहाँ से आपका मकान, जमीन, वाहन सुख, माता का सुख, तमाम प्रकार के जो सुख संपत्ति देने के साधन है ये चौथे स्थान से देखे जाते हैं। अब चौथे स्थान में जब सूर्य आएंगे तो कहीं ना कहीं माता के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है और दृष्टि जो होती है सूर्य की, ओनली एंड ओनली 7th एस्पेक्ट ऑफ सूर्य, सूर्य की सातवीं दृष्टि होती है वो आपके दसवें स्थान में होती है। तो कर्म स्थान में जो दृष्टि होती है जिसके कारण पिता के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है, जॉब करते हैं तो आपको अपर लेवल के आसार आ सकते हैं, यदि आप फादर के साथ काम कर रहे हो तो फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पड़ सकता है, कुछ ना कुछ प्रकार से माता या पिता के साथ रिलेशन में तनाव आने की संभावना रहेगी। और विवाहित जो जातक है इनको खास करके अपने इन लॉज के साथ, मदर इन लॉ के साथ, फादर इन लॉ के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो चौथे स्थान यहाँ से जो रिलेशन है इसके अंदर दुखदायी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, अन्यथा आपके मकान के अंदर कुछ खर्चा आ जाएगा, आपके वाहन के अंदर कुछ खर्चा आ जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, खर्चा एक्सपेंसेस आपका ज़्यादा होगा, ऐसी कोई हरकतें होगी जिसके कारण आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। अब बात करेंगे आठवें स्थान में सूर्य आपको क्या फल देंगे। आठवें स्थान में जब सूर्य होते हैं तो ये एक तो मृत्यु स्थान माना गया है,
मृत्यु स्थान है, आयुष्य का स्थान है। आयुष्य के हालांकि सूर्य खुद जो है वो जीवन दाता ग्रह है, इसलिए आयुष्य का तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आयुष्य तो बलवान करेंगे। लेकिन जो दृष्टि है वो आपके धन स्थान के अंदर होगी, जिसके कारण वाणी में उग्रता बढ़ जाएगी, खास करके आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर, तो जिसके कारण आपका पारिवारिक समस्या बढ़ सकती है, फाइनेंशियल मैटर में डिस्टर्बेंस भी बढ़ सकता है, धन का स्रोत आपका बंद हो जाए, इनकम आपका बंद हो जाए, ऐसी नौबत या तो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आपका इनकम स्लो होते होते एकदम स्टॉप जैसा लगे, कि आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसका रास्ता क्या है, क्या करें क्या ना करें। तो ये जो सूर्य आठवें स्थान में है, ये पारिवारिक समस्या के साथ साथ फाइनेंशियल मैटर में डिस्टर्बेंस, आपके इन लॉज के साथ रिलेशन में तनाव, ये सब जगह से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है या तो आ सकता है, तो फादर के साथ भी हो सकता है आठवें स्थान, क्योंकि सूर्य पितृ कारक है, पिता के कारक है, तो ये सूर्य भी ज़बरदस्त टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट कर देंगे पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर, तो ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस आप महसूस करेंगे। ये जो एक महीने का ट्रांजिट होता है, जब चंद्र से आठवें स्थान में सूर्य हो और जब चंद्र से बारहवें स्थान में सूर्य हो, तो ये भी आपका खर्च बढ़ाने वाले होंगे। अब जितना पैसा आपने इकट्ठा करके रखा है, कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको दे देना पड़ेगा, तो आप हो जाएंगे खाली। तो उसके कारण क्या होगा कि मन में थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड सिचुएशन होगा, कि आप कितनी मेहनत करके पैसा बचा के रखते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपको पैसा दे देना पड़ता है। तो ये बारहवें स्थान की सिचुएशन है। बारहवें स्थान में से जब जब भी कोई उग्र ग्रहों का ट्रांजिट होगा, तो आपका जो सेविंग है, ये आपका सेविंग आपको निकालना पड़ेगा, आपका सेविंग खत्म हो जाएगा। आपको जितनी भी इनकम है आपकी, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो है वो आपको खर्च तो करवाएंगे ही करवाएंगे, चाहे वो हेल्थ पर्पज से हो, चाहे वो अपने कोई बुजुर्ग के लिए हो, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर के लिए हो, कोई अपने स्वजन के लिए हो, अपने रिश्तेदार के लिए हो, कोई ना कोई प्रकार से आपका खर्चा होगा और आपका जो सेविंग है आपको तोड़ के उनको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहे कि 100% देना पड़ेगा, लेकिन कुछ पार्ट जो है 15%, 20%, 50%, कोई बार कोई सिचुएशन ज़्यादा है तो आपको 70-80% भी आपका जो सेविंग है वो टूट सकता है, जब सूर्य बारहवें स्थान में से जाते हैं। तो ये जो तीन ट्रांजिट है, इसमें खास करके सबसे ज़्यादा दुख का अनुभव करवाने वाले सूर्य हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सूर्य सबसे ज़्यादा अशुभ फल आठवें स्थान में देते हैं। आठवां स्थान जो है, अब आठवां स्थान है ये मृत्यु स्थान, जैसे हमने बताया है कि मृत्यु स्थान है, आयुष्य का स्थान है, और एक प्रकार से ये खाड़े का स्थान माना गया है, द प्लेस ऑफ लॉसेस। अब जो सूर्य आपके परिवार के ऊपर दृष्टि करेंगे, धन स्थान के अंदर दृष्टि करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं इनके साथ आपके रिलेशन में तनाव बढ़ेंगे, और उसके कारण पारिवारिक समस्या क्रिएट होने के कारण फाइनेंशियल मैटर में भी डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो दुखदायी सिचुएशन क्रिएट होती है ये आठवें स्थान के सूर्य में होती है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ जो है वो इनकम है। जब इनकम, फाइनेंस, धन संपत्ति या तो इनकम कमाई बंद हो जाती है, धन आना बंद हो जाता है, कोई ना कोई प्रकार से रुकावट आ जाती है, इनकम का स्रोत आपका रुक जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप ऐसी उलझन महसूस करते हो कि किसी को कुछ कह नहीं सकते हो और जो सिचुएशन है उसको सह भी नहीं सकते हो। तो
ये सिचुएशन क्रिएट में लाके खड़ा कर देता है आठवें स्थान का सूर्य। अब सूर्य ग्रह की शांति के लिए क्या करना है? सूर्य ग्रह की शांति के लिए आपको दिन में 3 बार सूरज का दर्शन करना है, गाय को एक अनार और गुड़ खिलाना है, मंत्र करना है ओम ह्रीम क्लीम सूर्य नारायण नमः। दिन में 3 बार सूरज का दर्शन करना है, मॉर्निंग दोपहर में 12 से 1 के बीच में और बिफोर सनसेट। ये प्रयोग आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं सूर्य ग्रह की शांति के लिए, कि आने वाले समय में आपके गोचर ट्रांजिट की जो सूर्य ट्रांजिट है ये आपको ज़्यादा परेशान ना करे, आपको कोई हेल्थ का ज़्यादा खतरा ना हो, हेल्थ में आपका ज़्यादा पैसा खर्चा ना हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके मदर फादर के साथ, आपके परिवार के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहे, आपका गवर्नमेंट से रिलेशन अच्छा रहे। तो ये सब चीज़ के लिए आप सूर्य उपासना बढ़ाएं, और यदि आपकी कुंडली सपोर्ट करती है तो सूर्य ग्रह का रत्न आप माणिक भी धारण कर सकते हैं, तो सूर्य जो कि ग्रह के राजा हैं। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार।